वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट जर्दा। परफेक्ट जर्दा मतलब कई बार शिकायत होती है लोगों की कि उनका जर्दा ऐड जाता है, टाइट रहता है, कच्चा रह जाता है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका जर्दा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम चावल। मैंने इसको आधा घंटा भिगाने के बाद इसको उबाल लिया है। 99% चावल को उबालना है, इसको 50% 60% या 80% नहीं उबालना है, इसको 99% मैंने उबाल लिया है जिस तरह से हम चावल बनाते हैं। और मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। उसके बाद एक मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। भाई कढ़ाई मैंने ली है तो ज़रूरी नहीं कि आप कढ़ाई ही लें, आप जिस भी बर्तन में बनाना चाहें उसमें बनाएं। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें रिफाइंड डाल दूंगी, आप घी भी ले सकते हैं। और रिफाइंड को हम गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। रिफाइंड हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये चीनी डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम चावल में 200 ग्राम चीनी ली है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी के साथ ही मैंने आधा कटोरी पानी भी डाल दिया था जिससे कि ये चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर चावल डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर चावल को डाल दिया है और ये पानी जो आ रहा है इसको हम नीचे से ही जलने देंगे, चावल को चलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा हमने चावल को बिल्कुल भी नहीं चलाया है और सारा पानी जो है चाशनी का वो सूख चुका है, हल्का सा ही रह गया है। और हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। इसके बाद हम मेवे जो हैं अपने हिसाब से डालेंगे। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पर नारियल वगैरह लिया है और इसको इस तरह से डाल दें। और यहाँ पर एक साइड में हमें डालना है ऑरेंज कलर। और एक साइड में हमने डालना है यहाँ पर ग्रीन कलर। और इसको ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। और ये देखिए हमारा जर्दा एकदम से तैयार है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छे से हो चुका है। इसको केयरफुली निकालें कि तीनों कलर मिलकर आराम से आए, वाइट, ग्रीन और ऑरेंज। और इसको आराम से अच्छे से प्लेटिंग कर लें। तो लीजिए फ्रेंड, परफेक्ट नवरत्न जर्दा बनकर तैयार है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका जर्दा परफेक्ट ही बनेगा, जलेगा या फिर कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरह ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।